नमस्कार दोस्तों, नगीना शर्मा आप सभी का बोकारो गार्डन में तहे दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, आप सभी को होली मुबारक हो। आज होली का दिन है, मैंने सोचा चलो आज आपसे बोकारो गार्डन की जो फूल हैं, तरह तरह के रंग बिखरे हुए हैं, प्रकृति की तरफ से जो रंग छाए हुए हैं, उनको मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। देखो, एक छिपकली भी इस पर आ रही है। प्रकृति के रंग कितने खूबसूरत होते हैं, कितना भी देखो मन नहीं भरता इनको देखकर। दोस्तों, बार बार चर्चा लोग करते हैं कि कामनी का पौधा कौन होता है, आप दिखलाइए। तो मैं सोचती हूँ कि ये कामनी का पौधा जो है, इसको आपसे शेयर कर दूँ। यही मेरा कामनी का पौधा है, तो आप इसको देख लें। और इसके फ्लावर्स अभी तो रहते नहीं हैं, इसके फ्लावर्स बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो इसके झड़े हुए कुछ हिस्से जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसको शेयर कर देती हूँ आपसे। इस तरह से गुलाब पूरा खिले हुए हैं। आपका अक्सर ये होता है कि गुलाब क्यों नहीं खिल रहे हैं, तो मैंने जो फर्टिलाइज़र बताई है, उस फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करें, आपके गुलाब भी इसी तरह खिले रहेंगे। ये सदाबहार का प्लांट है। हम लोगों ने भी इन जो प्रकृति के कलर है, इसी से प्रभावित होकर अपने कलर्स बनाए हैं। और होली के दिन एक दूसरे से होली खेलते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने जो कटिंग्स लगा के रखी हुई है, वह मेरा कटिंग्स है, कुछ प्लांट्स हैं लगे हुए हैं, इसको भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। क्योंकि इस पर भी आता है कि आप कटिंग का अपडेट नहीं देते हो, अपडेट देने के लिए वीडियो को जोड़नी पड़ती है और जोड़ने की सुविधा मेरे पास अभी तक नहीं है, मैं जोड़ नहीं पाती उसको, तो मैं अपडेट करवाने में उनको दे देती हूँ। देखो, एक कटिंग नीचे मैंने लगा के रखी है, ये भी ग्रो कर गया है। बोगनवेलिया पर भी बहुत सारे इसके अपडेट करवाने के आए हैं, तो मैं उसको भी करवा देती हूँ। साथ ही इधर से लेते हुए बढ़ती हूँ आगे। ये कमेलिया पहले बार फूल दिया है, अभी छोटा सा नन्हा सा प्लांट है इसका।
ये पान का प्लांट, यहाँ कुछ कटिंग्स लगाए हुए हैं, इधर भी कुछ ग्राफ्टिंग के रखे हुए हैं नन्हे नन्हे, इधर गमले में प्लांट हैं। दोस्तों जो गार्डनिंग करता है उसका कभी कभी सारा चीज़ जैसे तैसे पड़ा रहता है। अभी होली के समय में मेरे भी बगीचे की हालत कुछ ऐसी हो गई है, कुछ सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। टमाटर देखो आप, टमाटर की मैंने वीडियो डाली है कि टमाटर अधिक कैसे लें, इसमें से कैसे जो फालतू वाले टहनियाँ हैं उनको काट देनी है, और इसके बाद आप देखो किस तरह से गुच्छे के गुच्छे टमाटर फल रहे। इधर कुछ फ्लावर्स हैं, और अब आप देखिए आम का मंजर, आम में मंजर आ गए हैं, काफ़ी मंजर आए हुए हैं, ऊपर तक मैं इसको नहीं ले जा पा रही। दोस्तों मैं यहाँ आ गई हूँ वेजिटेबल वाले गार्डन में, लेकिन मैं इसमें अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ आपकी बहुत बड़ी हो रही है। फिर से आप सबों को एक बार होली की बधाई देते हुए मैं यहाँ से विदा ले रही हूँ। आप लोग अच्छी तरह से होली खेलें, खुशी मनाएं, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हैप्पी होली।